आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव बहादुरपुर राजपूत पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 22 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 20 किलोमीटर दूर है। इस गांव की कमान श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान लक्ष्मी देवी और सचिव सुरेंद्र सिंह के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और किन किन समस्याओं से गांव अभी भी जूझ रहा है, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के बहादुरपुर राजपूत ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद की गई है और क्या उनका आगे इरादा है, इस बारे में बातचीत करेंगे यहाँ के प्रधान जी। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4.5 साल जैसे कि आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं इस प्रधान जी के कार्यकाल में, क्या क्या विकास कार्य अपने ग्राम पंचायत में करवाए हैं? अच्छा मैंने आवासीय बनवाए जी, शौचालय बनवाए, ODF हो गई ग्राम पंचायत जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे शौचालय ना मिला जी, सामुदायिक केंद्र में भी कार्य किया और जैसे सीसी टायर मनरेगा में भी काफी कार्य किए मैंने और जैसे स्कूल में भी काम अच्छे कराए। स्कूल में सौंदर्यकरण क्या क्या शौचालय का करा है और एक दो कमरों में ऑफिस से करा है जी, पानी वगैरह की सब टंकी वंकी सब लगा के, कोई ऐसी समस्या नहीं है स्कूल में है। और जो थोड़ी जगह है वो साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गांव में? बहुत बढ़िया है, सफाई कर्मचारी आते हैं डेली बंद आते हैं डेली। तो यहाँ स्कूल के अलावा सरकारी बिल्डिंग में जैसे बारात घर पंचायत घर ये है बने हुए, समुदाय केंद्र है बने हुआ जो कि वो बेकार हो चुका था तो मैंने उसे बड़े घर सौंदर्यकरण कराया उसका जी, बड़े घर जो मतलब आपने उसमें जो है काम करवाया है कार्यनिधि? हाँ कार्यनिधि से कराया है, उसमें आंगन में उसके कैल्सी उठवाई है और 400 की बॉन्डी कराई है 8-8 फुट जी। यहाँ पर जैसे खेल का मैदान है यहाँ, खेल का मैदान नहीं है, शमशान घाट है, अस्पताल कितनी दूर है? अस्पताल रतन मुकला जी, 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आती सामने दवाई लेने में? मतलब समय से एम्बुलेंस आती है, आशा भी अच्छे काम कर रही है, आंगनबाड़ी बढ़िया काम कर रही है और समय से दवाइयाँ मिली जाती है पास में। पता नहीं जैसे कि अभी बीमारी के दौर में इतना लंबे समय का पूरा लॉकडाउन रहा है संपूर्ण देश में और लोगों को काफ़ी परेशानियां जो है सामने आई हैं खाने पीने को लेकर भी और घर के हर हालात में लोगों को कई तरह का संकट उनके सामने आया है, तो आपके ग्राम पंचायत में ऐसे परिवार भी शामिल रहे होंगे, उसमें आपका क्या योगदान रहा, किस तरह की मदद आपकी मदद के लिए जैसे गेहूँ है चावल है अपने पास से भी दिए दाने भी दिए और सरकार से जो मिला है उन्हें वो भी बंटवाया जी, मतलब सरकार से जो राशन मिला है वगैरह से मिला जी, है जी, जी। और जो विधवा है जो आर्थिक कमजोर है उनके लिए मैंने पैसे भी दिए जी। जैसे जिनके राशन कार्ड नहीं थे उन परिवारों के लिए किस तरह की मदद? मैंने अपने गल्ला मैंने जाके कहा उससे डीलर ने भी गल्ला दिया है जी, और मैंने भी जितनी मतलब आपके आर्थिक सहयोग से लोगों को यहाँ राहत मिली है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी जी। बाहर से जैसे प्रवासी मजदूर आए हैं तो क्या आपके गांव में भी बाहर से लोग हाँ आए हैं तो उनकी जांच वगैरह सब जांच सब कराई है कि आदमी जांच कराई? आपके आस पास कोई कोरोना का नहीं केस तो नहीं? नहीं कोई नहीं कोई नहीं, और कम से कम 22-23 आदमी प्रवासी आए हैं जिसमें भी सभी की जाँचें कराई हैं, सभी को होम क्वारंटाइन कराया गया है और सभी स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप? हमारी सरकार से मांग है कि एक बारात घर सही सा और पंचायत घर ये जर्जर हो चुका है वो सही हो जाए, हमारी पंचायत घर का नव निर्माण यहाँ पर नहीं होना चाहिए जी, बढ़िया। कितने परिवार आपके गांव में अभी ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? मतलब कम से कम 20-25 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवास की जरूरत जी। पानी पीने की व्यवस्था कैसी? पानी पीने की व्यवस्था तो
बड़ा तो वो टंकी तो बड़ी है नहीं लगी हुई, फिलहाल समर से मिले हैंडपम्प वगैरह है। तो हम ऐसी महसूस करते हैं जिसके लिए चाहेंगे कि सरकार जो है खास तौर से ध्यान दे या आपकी अगर मदद करे, कुछ सरकार की तरफ से अगर मदद मिले तो क्या चाहेंगे कि गांव में? मेरा तो यही तात्पर्य है कि गांव की जो थोड़ी बहुत समस्याएं जैसे कहीं रह गई ये इसकी पानी निकास की जी, एक तालाब की सबसे बड़ी समस्या मेरा तालाब की सबसे बड़ी जी, जो कि मेरे यहाँ तालाब बहुत नाते अब एक बीघे का तालाब है जो कि बहुत ही परेशानी में है, मतलब कुछ ज्यादा ही परेशानी है गांव वालों को। ये एक तालाब की ज्यादा समस्या तालाब यहाँ पर जो है बनना चाहिए, एक बनना चाहिए बड़ा तालाब क्योंकि है नहीं, जल भराव की यहाँ पर जो समस्या रह जाती है, समस्या रहती होगी जी जी बहुत रहती है। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन बीते 4 सालों में प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं, शौचालय से गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है, सामुदायिक केंद्र में भी प्रधान द्वारा सौंदर्यकरण का कार्य करवाया गया है। इसके अलावा लॉकडाउन के चलते गरीबों की हर तरह से मदद यहाँ पर प्रधान द्वारा दी गई है, काफी राहत उन लोगों को मिली है। इसके अलावा अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो यहाँ कुछ समस्याएं अभी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर जो यहाँ अभी तक निर्मित नहीं है जिसके लिए प्रधान मांग रखते हैं, पंचायत भवन जिसकी हालत बहुत ही जर्जर है उसके नव निर्माण के लिए यहाँ प्रधान ने मांग रखी है। इसके अलावा लगभग 20 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है, कुछ रास्ते अभी कच्चे हैं जिनके लिए सीसी की आवश्यकता है, और सबसे प्रमुख जो यहाँ पर समस्या सामने आई है वो जल भराव की है। यहाँ आसपास के गांवों में देखा गया है कि कई गांव ऐसे हैं जहां जल भराव की समस्या सबसे पहले यहां लोग बताते भी हैं और सामने भी आती है। अब बरसात के दिनों में यहां लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना यहां करना पड़ सकता है जल भराव के कारण। यहां ग्राम प्रधान द्वारा मांग रखी गई है कि यदि सरकार की तरफ से मदद मिले तो यहां पर एक तालाब का निर्माण हो जिससे लोगों की ये परेशानी दूर हो सके। अशरफ अली के साथ मुनाजिम।